भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में क्या खस्ता हालत हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से अपने ही गढ़ में हारने वाली है? क्योंकि हम नहीं, बार बार खबरें सामने आ रही। हालांकि गोदी मीडिया आपको ये तमाम खबरें नहीं बताएगा और ना ही आपको ब्रेकिंग ब्रेकिंग करके फ्लैश के साथ दिखाएगा कि गुजरात में क्या हो रहा है, क्योंकि आज आपको ऐसी खबरें बताऊंगी दोस्तों जिसको खुद कई न्यूज पोर्टल ने जगह तो दी है लेकिन गोदी मीडिया ने हिम्मत नहीं दिखाई है। गोदी मीडिया में एक ही राग अलापा जा रहा है, वो है प्रधान सेवक का गुणगान करना। लेकिन असलियत, हकीकत गुजरात की जमीन पर क्या हो रहा है वो एकदम परे है। जो आपको टेलीविजन पर सजा धजा कर दिखाया जा रहा है, जो एकदम इवेंट की तरह तैयार करके दिखाया जा रहा है, दरअसल वो इवेंट पूरी तरीके से फ्लॉप है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो गुजरात का है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये वीडियो जो है वो गुजरात से है और इस रैली में बच्चों को बुलाया गया भीड़ दिखाने के लिए। यही नहीं, नर्सिंग की छात्राओं को बुलाया गया भीड़ दिखाने के लिए और बच्चों को कई घंटे तक वेट भी करना पड़ा। लेकिन भीड़ जुटी ही नहीं, बच्चे भी कितना आएंगे, कितना भरेंगे कुर्सियों को, कितना बच्चे जो है उस रैलियों को सुनना चाहेंगे। बच्चों का काम क्या है, वो खेलना धूपना पढ़ना लिखना। लेकिन यहाँ पर सारा काम धंधा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने में लगी हुई है कि हमारी रैली में बहुत भीड़ है, इसलिए बच्चों को भी ले आओ, नर्सिंग की छात्राओं को भी ले आओ। लेकिन अफसोस की बात कि वहां पर भी भीड़ नहीं जुट पाई। और ये रैली थी दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की। और इस कंबाइंड रैली में जो है भारतीय जनता पार्टी के भीड़ आने का नाम ही नहीं, भीड़ नदारद। और इसी वजह से अमित शाह को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, ये एक्सक्यूज देते हुए कि उनकी हेलीकॉप्टर खराब हो गई। अब आप सोचिए कि जो बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव सभाओं को करती है, चुनाव सभाओं में जाती है और तो और डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, वो इतने घंटे तक अपनी जनता को, गुजरात वासियों को वेट करवाती है और फिर कहती है कि जो है हेलीकॉप्टर खराब हो गया इसलिए हम आ नहीं पाए। अब आप सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं जुट पा रही है, जनता जा ही नहीं रही है, तो ये किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे वहां पर, किसको भाषण देंगे, किसको बोलेंगे? बच्चों को? बच्चों को क्या मतलब इन भाषणों से? हाँ ठीक है, बच्चों को लालच देकर हो सकता है कि कोई पार्टी के लोग जो है बुला ले कि हम आपको ये देंगे बेटा वो देंगे, तो वो आ सकते हैं लालच में। लेकिन रैलियों को इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट जो होता है कि सुनने का, वो क्षमता नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको आप सभी को पता है कि बच्चे क्या करते हैं, उनको खेलना पसंद है, उनको खाना पसंद है और रैलियों में जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ एक टाइम होता है कि बच्चों हेलीकॉप्टर देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं गांव में कि हेलीकॉप्टर आया है, लेकिन अब वो बच्चे भी समझदार हो गए हैं और बच्चों को बुलाकर भीड़ जुटाना भी इनका जो है एजेंडा काम नहीं आया है। और बुरी तरीके से ये रैली भी फ्लॉप नजर आ रही है। दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है गुजरात में छात्र छात्राओं को, नर्सिंग की छात्राओं को बुला लिया गया रैली में, क्या ये आप इन रैलियों में बैठिए, लेकिन भीड़ नहीं है। जो दावा किया जा रहा है 1,00,000, 10,00,000, 5,00,000 लोगों की भीड़ जनसभा में आ रही है, वो 1,000 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 500 लोगों को भी इकट्ठा करने में यहाँ पर सांसें फूल रही है एक पार्टी की। और आप साफ तौर पर ये वीडियो देखेंगे, जो निराली सोलंकी नाम के एक यूज़र है वो ट्वीट करते हुए लिख रही है कि कैसे जो है अमित शाह की रैली में नर्सिंग की छात्राओं को बुलाया गया लेकिन वहाँ पर अमित शाह साहब नहीं पहुँचे, उन्होंने रैली कैंसिल कर दिया। उन्होंने देखा कि भीड़, जब उनको पता चली उनके सूत्रों से कि भीड़ ही नहीं है, तो भैया रैली कैंसिल करो, क्या करना जा करके उस रैली में। और अब आपको कुछ अहम पोर्टल की खबरें सुनाती हूँ दोस्तों, जिस पोर्टल में खबरें छापी जा रही है और बताई जा रही है कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा टाइट है गुजरात में, पूरी तरीके से जो है फ्लॉप हो रही है उनकी रैलियाँ। तो सबसे पहले आप झंझवार की रिपोर्ट देखिए और झंझवार इस खबर को छापते हुए लिख रहा है कि गुजरात इलेक्शन 2022, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता पीएम मोदी और अमित शाह की रैली में नहीं जुट रही भीड़, साइलेंट मूड में है मीडिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व गुरु, फलाना गुरु, ढिमकाना गुरु की उपाधि देने वाली मीडिया आज चुप है, खामोश है,
आज उनको कोई जो है कहने वाला नहीं है कि भाई आप खबर दिखाइए, असलियत दिखाइए कि क्या हो रहा है। हाँ, आपको दिखाया वही जाएगा जो इनको पसंद है, जो इनके फ्रेम में सूट करता है। और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती कि रैलियों में भीड़ नहीं आ रही और ये गोदी मीडिया हिमाकत कर सकता है। आपको लगता है कि गोदी मीडिया हिमाकत करेगा और बताएगा कि गुजरात में क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे रैली फ्लॉप हो रही है? दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब सिर्फ 10 दिन का समय रहा है, इसलिए सारे राजनीतिक दल अपने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। एड़ी चोटी घिस रहे हैं कि किसी भी तरीके से गुजरात की सत्ता हमारे हाथ में हो, और इसमें सबसे नंबर वन पर बीजेपी, क्योंकि 27 साल बार बार आपको एक खबर में ये कोट करके बताना जरूरी है दोस्तों कि 27 साल जो पार्टी गुजरात में राज कर रही है उसके लिए किस कदर जो है गुजरात हासिल करना पीड़ादायक हो गया है, यानी कि शोले पे चलना जैसा हो गया, अंगारे पे चलना जैसा हो गया है। और अपने ही राज्य में बीजेपी की स्थिति हवा टाइट है, 27 सालों के गढ़ में उनका 5 साल जो है। सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी कर ले, मंदिर मस्जिद कर ले, हिंदू मुसलमान कर ले, लेकिन एक जो है लोगों के दिल में, एक जो है लोगों के घर में, लोगों के जेब में खटक रहा है, वो है महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी। और इनसे वो उभरना चाहते हैं, इनसे वो बचना चाहते हैं। इनका मार खाका करके लोगों की हालत पतली हो गई है, और इसी वजह से इस बार जो है मंदिर मस्जिद का मुद्दा काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा, मंदिर मस्जिद इस बार के चुनाव में उठाया नहीं गया है, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि कैसे जनता को भटकाए, गुमराह करे, और इस वजह से यूक्रेन और तमाम मुद्दों को लाकर वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। तो अब आपको दूसरी खबर, दूसरी पोर्टल की बताती हूँ, नवजीवन की दोस्तों। वो ये खबर छाप रहे कि गुजरात में बीजेपी की हालत बेहद खराब है, पीएम मोदी तक को जाना पड़ रहा है घर, डोर टू डोर जाकर वोट मांगने की तैयारी चल रही है, और इतनी हालत खस्ता हो गई कि अब जो है 25 रैलियों में से जो कर रहे हैं वो रैली सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि एक ये भी अनुमान है दोस्तों, क्योंकि इन रैलियों में भीड़ ना आना, और रैलियों का क्या मतलब बनता है? आप 50 रैली कर लें, अगर उस रैली में भीड़ आएगी तभी तो आपका हौसला बुलंद होगा। नेताओं का हौसला कैसे बुलंद होता है? जब भीड़ रैलियों में आती है, जब जोश दिखता है भीड़ में, और ये जोश और होश दोनों बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से गुजरात की जनता बीजेपी को नकारती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड पर भी बीजेपी के खिलाफ लोगों का बोलना शुरू हो गया है। गुजरात की जनता जो है वो बार बार कह रही है कि हमें बीजेपी से कोई उम्मीद अब नहीं बाकी रही है, क्योंकि हमने 27 साल तक उन पर भरोसा किया था और अब भरोसा अब उन पर नहीं है। 27 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन 27 साल में हम वहीं के वहीं हैं, और गुजरात मॉडल जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है और दुनिया जहान को बताने की कोशिश की जा रही है, वो गुजरात मॉडल ठीक वैसा ही है जैसा मोरवी घटना के बाद आपको दिखा था कि कैसे अस्पतालों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, उसी तरीके से गुजरात मॉडल है। तो ये स्थिति है दोस्तों कि अमित शाह को अपनी रैलियों को जो है कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।